किसी गैर मासूम को कहना ये गुस्ताखी, ये रसूल के फरमान की नफी है। देखिए अहले सुन्नत ने लिखा है, अहले सुन्नत की अहादीस मौजूद है। कादियानी और क्या करते हैं, यही तो कर रहे थे ना कि जाने के रसूल के बाद उन्होंने एक गैर मासूम को, अपने जैसे को, आज के दौर के को रसूल की जगह बिठाने की कोशिश की, पूरे पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया। तो ये तकलीदी क्या कर रहे हैं, क्या हुआ ईरान में, रसूल के ही तो नायब बनकर वो आए हैं। ये जुमला कहना विलायत फकी हमान विलायत रसूल अस्त, ये जुमला कहा है ना, किसने कहा है ये जुमला, ये जुमला कहना इसका मतलब जवाद नकवी ने ही कहा है ना कि विलायत फकी ऐसी है जैसे कि रसूलुल्लाह की विलायत, माजल्ला। तो कादियानी ने क्या कहा था कि ये गुलाम अहमद कादियान की, सही लफ्जों में कहूं तो गुलाम अहमद कादियान की विलायत ऐसी है जैसे रसूल की विलायत, उसने भी तो यही कहा है। कौन इस जुमले को वजाहत करे, कोई आए चैलेंज है सामने बताए कि ये बात उसने नहीं कही थी, उसने कही है। जब एक फिरका इस बुनियाद पे है तो ये दूसरे भी हम कह रहे हैं कि हम में से नहीं है, मुसलमान नहीं है ये लोग, ये काफिर हैं ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम, हमारी पूरी तंजीम और उसका लीडर, हमारा लीडर कमरों में नहीं बैठता है, मैदान में निकलता है, एक एक के घर पे जाता है और वहां ये नारा बुलंद करता है कि हमारा इस बातिल विलायत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम विलायत अली के कायल हैं, विलायत रसूल के कायल हैं और विलायत परवरदिगार के कायल हैं।